आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आज दूसरे दिन भी अपने 8 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल जारी रखी है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने हड़ताल में चले जाने से आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताला लटका हुआ है। वहीं कुपोषित बच्चों के साथ साथ अन्य बालक बालिकाओं को आंगनबाड़ी से मिलने वाली पोषण आहार से वंचित होना पड़ रहा है, जिनको रोज समय पर ताजा पोषक खाद्य पदार्थों का आहार देना अति आवश्यक है, जिसका विपरीत प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, जिसका ध्यान किसी को नहीं है और ना ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा रही है। अब देखना यह होगा कि क्या छत्तीसगढ़ सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग पूरा कर पाती है या नहीं। आप लोग की क्या क्या मांगे हैं? हमारी 8 मांगे हैं। इसमें प्रथम है हमारा कि शासन ने 4 वर्ष पूर्व घोषणा किया था कि हम आपको कलेक्टर दर भी देंगे अगर हमारी शिकायत होती है। 4 वर्ष पूरे होने के बाद भी अभी तक शासन ने हमारी मांग पूरा नहीं किया है। और इसमें हमारा दूसरा मांग आता है शासन हमें एंड्रॉइड मोबाइल दे और साथ ही उसमें रिचार्ज कराने के पैसे हमको प्रदान करें। और जो हमारा 9 माह का पूर्व में जो बचा हुआ राशि है एरियस के रूप में वो हमें भुगतान करें। और अभी नई नीति आया है, नई नीति 2020 के अनुसार जब आंगनबाड़ी बालबाड़ी के रूप में प्री प्राइमरी खोला जा रहा है तो प्री प्राइमरी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्री प्राइमरी टीचर और सहायिका को प्री प्राइमरी असिस्टेंट के रूप में लिया जाए। दीपिका है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रामानुज नगर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ, मजदूर संघ से संबंध। आप लोग के द्वारा जो हड़ताल किया जा रहा है उसका क्या कारण है? कारण ये है कि सरकार हमको बार बार बैठने में मजबूर कर रहा है, क्योंकि जब तक वो सरकारी कर्मचारी हम लोग को घोषित नहीं कर रहा है तब तक वो हमको कलेक्टर दर पे दिया जाए, कलेक्टर दर पे वेतन। और हमको 5 वर्षीय पहले जो सरकार बैठी है, छत्तीसगढ़ सरकार है जो हमारी, वो हमसे चुनावी घोषणा किया गया था कि हमारी सरकार आने पे हमको वो हमारी मानदेय को और हमारे हमको दिया जाएगा, हमारी मान को मतलब मनवाने की बात की गई थी। आज तक उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया है और जब तक हमको सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं कर रहे तब तक हमको कलेक्टर दर दिया जाए, यही हमारी मांग है। यदि आप लोगों की मांग पूरा नहीं करते है सरकार तो आगे क्या करेंगे? तो हम अभी आगे तक अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठेंगे और आंगनबाड़ी नहीं खोलेंगे। दीपिका है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रामानुज नगर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ, मजदूर संघ से संबंध। आप लोग के द्वारा जो हड़ताल किया जा रहा है उसका क्या कारण है? कारण ये है कि सरकार हमको बार बार बैठने में मजबूर कर रहा है, क्योंकि जब तक वो सरकारी कर्मचारी हम लोग को घोषित नहीं कर रहा है तब तक वो हमको कलेक्टर दर पे दिया जाए, कलेक्टर दर पे वेतन। और हमको 5 वर्षीय पहले जो सरकार बैठी है, छत्तीसगढ़ सरकार है जो हमारी, वो हमसे चुनावी घोषणा किया गया था कि हमारी सरकार आने पे हमको वो हमारी मानदेय को और हमारे हमको दिया जाएगा, हमारी मान को मतलब मनवाने की बात की गई थी। आज तक उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया है और जब तक हमको सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं कर रहे तब तक हमको कलेक्टर दर दिया जाए, यही हमारी मांग है। यदि आप लोगों की मांग पूरा नहीं करते है सरकार तो आगे क्या करेंगे? तो हम अभी आगे तक अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठेंगे और आंगनबाड़ी नहीं खोलेंगे।